शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, मीठे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करने से ग्रेज करें क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी करते हैं और आपके गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया न करें बल्कि ठंडा करके चेहरे को धो लें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। टांगों में दर्द का होना पानी की कमी से हो सकता है, इसलिए पानी का कसरत से इस्तेमाल किया करो। सुबह सवेरे ज़्यादा गर्म रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे पेट में गैस और मुंह से बदबू पैदा होती है। जवानी चाहती हो तो रोज़ाना दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पी लिया करो। जो बंदा खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो वो जवान रहता है। अगर हाथ पांव काले हो जाए तो दालचीनी और नींबू का रस मिलाकर हाथों पर लगा लेने से सफ़ेद हो जाते हैं। बादाम का तेल जिद के डरसिन सेल्स को ख़त्म करता है। कील मुहासों से निजात मिलती है। ये सूरज की शुआओं के नुकसान से भी होता है और अगर होंठों पर लगाया जाए तो होंठों की खुश्की इससे ख़त्म हो जाती है। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी में घोल कर इस पानी से सर को धो लें, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अल्सर के ज़ख्म दूर करने के लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद गुज़ा है। जो लोग हमेशा अपने मेदे को ठीक और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो वो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें। नहार व नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। सब्ज कच्ची मिर्च खाने से बनाई तेज़ होती है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज़ होता है। इसे आपके दिमाग की जहानत में भी इजाफा होता है और जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। सुबह नहार रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमाग की कमज़ोरी चंद दिनों में दूर हो जाएगी। अगर बदन की सूजन का कोई मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे आपके बदन की सूजन में आराम मिलता है। खड़े होकर पेशाब कभी मत करें क्योंकि इससे दिमागी कमज़ोरी होती है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दिन भर की थकान दूर करनी है तो गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लो, थकन ख़त्म हो जाएगी। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी लग जाती है। जो बंदा खीरे ज़्यादा खाता है इसको कभी भी सांस की तकलीफ नहीं होती। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। नहार में फालसे खाने से मैदे की तजाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक मिलाकर मले, साबुन से इसे धो लें। अगर दांत टेढ़े हों तो रोज़ाना दांतों पर मसवाक किया करें, इससे दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला है तो पानी ज़्यादा पिएं, जिससे दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो इलायची के दाने चबा लिया करो। गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा शामिल कर दिया करें, इससे दूध ख़राब नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से काम करते वक्त इंसान को थकन महसूस नहीं होती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बड़े गोश्त की जखनी बना कर पिया करें, इससे दूध बढ़ जाएगा। प्याज काटकर अगले दिन के लिए इस्तेमाल मत करें क्योंकि इससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्ते को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। बेर खाने से पेट की बीमारियाँ दूर होती हैं। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्द अपना वज़न बढ़ाना है तो वो आलू उबाल कर खाएं। वज़न को कम करने के लिए आप अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल करें। मैदे की कमज़ोरी हो या खून की कमी, मसाना कमज़ोर है या बार बार पेशाब आता हो तो रोज़ाना अंगूर खाया करो। चंद दिनों में आपको ये मसला इंशाल्लाह हल हो। गर्मी में चाय का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे में गर्मी पैदा करता है और भूख को ख़त्म कर देता है। अगर बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो एक गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लो और शाम के वक्त पी लो। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो दही खाया करो। जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए तो अजवाइन को नाक के करीब करके सूंघ लें, इससे नाक इसी वक्त खुल जाएगा। बार बार पेशाब आने का मसला है तो सरसों का तेल उंगली पर लगाकर नाक में फेरो, बार बार पेशाब नहीं आएगा। पेट अगर बढ़ जाए तो नहाने से कबल तिलों के तेल के 2 कतरे नाक में डाल दो, पेट चंद ही दिनों में अंदर चला जाएगा। जहरीली चीज़ अगर मुँह में चली जाए तो फ़ौरन नमक खाओ, इससे जहर बेअसर हो जाएगा। नाज़रीन, चावलों का पानी उबालकर पी जाने से कब्ज़ से निजात मिलती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश कर लिया करो, मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। मसाने की तकलीफ हो या बार बार पेशाब आता है तो हरीड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करो। हरीड़ का मुरब्बा खाने से पेशाब की तमाम तकलीफ से निजात मिल जाती है। पूरे जिस्म में दर्द रहता है या जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है तो 60 ग्राम बुने चने लेकर इनका सफूफ बना लें। इसके अंदर 1 गिलास दूध, 1 केला, 2 अदद खजूर और 5 से 10 ग्राम इसके अंदर इसबगोल डाल दो। इसका मिल्क शेक बना कर पी लो।
सिर्फ 15 दिनों के इस्तेमाल से ही जिस्म का दर्द, घुटनों में दर्द, जिस्मानी कमजोरी या बहुत ज़्यादा थकावट का रहना, ये सब इंशाल्लाह शर्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है, और अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाएँ तो इससे हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो याद रखिए ऐसे ही लोग आपको बहुत जल्द धोखा भी देते हैं। जिनको दिल की बीमारी का मर्ज हो, इनके लिए सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है, और शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर होता है। नाज़रीन, जिनको शुगर का मर्ज हो, इनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। औरत सोते वक्त दूध के साथ एक खजूर खा ले, 50 साल वाली औरत 17 साल जैसी नजर आएगी। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में भी इजाफा होगा और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर बहुत ज़हीन होते हैं। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। अगर रोज़ाना 5 दाने अंजीर के खा लिए जाएँ तो इससे गुर्दों की पथरी निकल जाती है। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। अगर लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और देर तक जवान रहना चाहते हैं तो सादा सी खुराक खाओ, इससे आप बहुत कम बीमार होगे और लंबी ज़िंदगी पाओगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। नहार में खजूर इस्तेमाल कर ले जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। करेले की सब्ज़ी का पानी चेहरे पर लगा लो, हफ्ते में चेहरा सफ़ेद, चमकदार और गोरा हो जाता है। नहाने के फौरन बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ घी मत खाएं बल्कि किसी अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठकर घास पर नंगे पाँव चल लिया करें, पाँव में ताकत आएगी, टांगें दुरुस्त होंगी और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज़ खाने से दांत गिर जाते हैं। क्या आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है? जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो इसका वज़न कम होने लगता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और अंजीर। इन दोनों के फलों से औरत जवान होने लगती है और खूबसूरत हो जाती है। सेब खाने से खून हरकत में आ जाता है और खून ताज़ा होने लगता है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी, और अगर सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और थकावट भी नहीं होगी। नाज़रीन, शहद खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को कुवत देता है। पेट में दर्द है तो इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके खा लिया करो, पेट का दर्द जाता रहेगा। कब्ज़ का मसला है तो ठीक हो जाएगा और मैदे के अमराज से निजात मिलेगी। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है और आंतों की बीमारी का बायस बनता है। अगर मुंह और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुशक धनिया चूसने से आपको शफा मिलेगी। घर में बिल्लियाँ पालने से डिप्रेशन से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। नाज़रीन, अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि लहसुन की 2 तुरियां नींबू के कावे के साथ खा लिया करें, इससे इनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अपने वज़न को बढ़ाना चाहती है तो वो केले ज़्यादा खाया करें या फिर आलू उबाल कर खाए। प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर बाल कमज़ोर हैं तो प्याज का रस निकाल कर सोते वक्त सर पर लगा लें। खाली पेट कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करें, इससे हार्ट अटैक का मसला हो जाएगा। नाज़रीन, जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं, इन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पका कर खा लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नहाने नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजक 7 नस्लों तक जाए तो रात को सोने से कबल इशा की नमाज के बाद वजू करके दुरूशरी पढ़कर या गनियू पढ़ने का मामूल बना लें। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बढ़ापा आता है, कच्चा दूध मत पिया करो, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और अदरक, नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लिया करें, इंशाल्लाह इससे फाका होगा। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैजा जैसी बीमारी से महफूज रह सकते हैं।
प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मेदे की बीमारियों और फालज के मर्ज से महफूज रखता है। कुत्ते बाघ को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अजवाजी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में प्याज मदद देता है। दाल माश अच्छी तरह साफ करके धो लें और सुखा कर पीस लें। नहार मुझे सफूफ आधा चाय का चम्मच खा लें। कमर का दर्द इसी से ठीक हो जाएगा। अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। अगर कोई कांटा चुभ जाए या जख्म हो जाए तो इस पर मेहंदी का इस्तेमाल करो। अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मेदे की सफाई करता है। नाजरीन, 50 ग्राम तुखमलंगा, 10 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम मूली के पत्ते 1 लीटर पानी में 2 घंटों के लिए भिगो दें। पूरा दिन वफे वफे से लेते रहें। जिस्म की सफाई के साथ साथ वजन की कमी में भी ये मामन साबित होता है। नहारू किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर का दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।